बांग्लादेश और इंडिया का मैच भी होना है, क्या कहते हैं? क्योंकि कंट्रोवर्सी बहुत नहीं, देखिए कंट्रोवर्सी नहीं है, पोल्यूशन तो बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत खराब है। क्योंकि देखिए इसके आफ्टर इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे हमारे यू नो उनको उनको बड़ा इफेक्ट कर रहे हैं, हमारे जो ओल्डर एज जनरेशन है उनको बड़ी इफेक्ट कर रही है। आई थिंक इट्स नॉट राइट, यू नो गवर्नमेंट हैज़ डू समथिंग अबाउट दिस ऑल दिस थिंग। ये गलत बात है, बिकॉज वाई शुड यू नो इन इंडिपेंडेंट ऑफ 70 ईयर्स वी नीड ए क्लीन वाटर, वी नीड क्लीन, वी नीड इलेक्ट्रिसिटी एंड द एयर यू नो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच वी ब्रीद यू नो। सो आई डेफिनेटली बिलीव दैट्स एट द मोमेंट दिल्ली इज रियली बैड एंड आई एम नॉट हैप्पी विद फॉर दैट। मैच होनी चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर्स यू नो हाउ दे फील, बट मेरे विचार में तो देखिए इतनी पोल्यूशन के बीच में मैच खेलना इट्स नॉट, वो तो 22 प्लेयर खेल रहे हैं, बट व्हाट अबाउट 20,000 पीपल आर वॉचिंग, ये भी बहुत ज़रूरी है। आई डोंट नो कि क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मैच भी को चेंज करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लॉट ऑफ प्रिपरेशन गोज ऑन, तो एक लास्ट मोमेंट में कहते हो जी हम मैच यहाँ से शिफ्ट करके कहीं और ले जाए, ये गलत बात है, ये भी मैं कहना चाहूँगा। पर इस वक्त दिल्ली का बहुत बुरा हाल है, बाहर भी नहीं निकला जा रहा, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ आपको करते रहना चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए, ये बहुत अच्छा स्टेप होगा मैं समझता हूँ कि क्रिकेट के लिए, क्योंकि टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, क्राउड को भी देखने को मज़ा आएगा, समथिंग डिफरेंट इज ऑलवेज बेटर। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर पिंक बॉल क्रिकेट। इफ यू आस्क मी, मेरे विचार में अनुष्का जी ने जो भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। क्योंकि देखिए क्यों आप किसी के पर्सन एज विदाउट नोइंग यू कैनॉट से एनी थिंग टू एनी बॉडी। मैं सिंपल एज मैं यहाँ पे मैं ख़त्म कर दूंगा जो मैंने कहना था कह दिया।